नमस्कार, मैं हूं राकेश उपाध्याय। रात के 10 बजे हैं और लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद की अयोध्या के इर्द गिर्द 84 कोस की यात्रा पर यूपी सरकार के प्रतिबंध के बाद सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी और आरएसएस ने प्रतिबंध के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है, तो विश्व हिंदू परिषद ने भी ऐलान किया है कि यात्रा 25 अगस्त की तय तारीख पर शुरू होकर रहेगी। साफ है कि 84 कोस की यात्रा पर टकराव तय है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। अयोध्या के चारों ओर वीएचपी और संतों की 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध का मामला यूपी की सियासत को सुलगाने लगा है, तो देश की राजनीति को इस मुद्दे पर गरमाने में बीजेपी और तमाम राजनीतिक दल पीछे नहीं हैं। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 84 कोसी यात्रा निकालने का ये संकल्प लिया गया है। 84 कोसी यात्रा के लिए न तो अखिलेश जी को ऐतराज था और न ही मुलायम सिंह जी को ऐतराज था। समाजवादी पार्टी में एक बहुत ही कट्टरपंथी नेता है, उन्होंने कहा कि क्यों मिला भाई, क्यों विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मिले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी। और जब ये कहा है तो ये लोग असहज हो गए और असहज होकर इन्होंने सारी की हुई वार्ता को किनारे रखकर अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता जनता की निगाह में किनारे फेंक कर और 84 कोसी यात्रा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। यूपी सरकार की ओर से 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लगाने के बाद वीएचपी ने तेवर सख्त कर लिए हैं और ऐलान किया है कि यात्रा तो अब होकर रहेगी। यह निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के दबाव और मुस्लिम वोटों के लालच में यह निर्णय लिया गया है। दूसरा, यह एक और बात सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात में सक्षम नहीं है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, जिसमें कि हिंदू अपनी धार्मिक परंपराओं का भी स्वाभाविक रूप से निर्वहन कर सके। दूसरी तरफ यूपी में वोट बैंक की सियासत ने भी चुनावी वक्त में रफ्तार पकड़ ली है। कभी अयोध्या से संसद में बीजेपी की आवाज बुलंद करने वाले फायर ब्रांड नेता सांसद विनय कटियार समेत तमाम बीजेपी नेताओं का हमला समाजवादी सरकार के फैसले पर आग उगलने लगा है। अयोध्या की यात्रा को रोकना ये गैर संवैधानिक काम है और हिंदू समाज के ऊपर एक प्रकार से कुठाराघात है। कारण ऐसा है कि परिक्रमाएं तो हमारी हमेशा चलती रहती हैं, कभी परिक्रमा बंद नहीं होती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा हमारी हमेशा चलती रहती है, कामतगिरी की चित्रकूट की जो परिक्रमा है वो हमेशा चलती रहती है। उसी प्रकार से अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, 84 कोस की परिक्रमा हमेशा चलती रहती है। जो अखिलेश सरकार ने निर्णय लिया है मुलायम सिंह जी ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है और इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। वहीं अखिलेश सरकार के फैसले को सही ठहराने के लिए तमाम मुस्लिम अजहबी नेता भी मैदान में उतरने लगे। साफ तौर पर वोट बैंक राजनीति के लिहाज से अयोध्या के आसपास 84 कोस की परिक्रमा पर सियासी टकराव चरम पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए ये कोई पहला मौका नहीं जब उनका टकराव भगवा परिवार से अयोध्या के सवाल को लेकर हो रहा है। सवाल है कि कहीं ये टकराव यूपी को फिर से 90 के दशक के उन दिनों की ओर तो नहीं पहुंचा देगा जब यूपी में चारों ओर सिर्फ कर्फ्यू का सन्नाटा पसरता था। राकेश उपाध्याय के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस और 90 से चले और यात्रा पहुंच गई 84 कोस पर। एक बार फिर विश्व हिंदू परिषद और समाजवादी पार्टी की सरकार आमने सामने है। मामला वही अयोध्या का है जिसे लेकर 1990 से लेकर अब तक लगातार मुलायम सिंह यादव और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं के बीच टकराव होता आया है। बीजेपी अब तक किनारे बैठकर तमाशा देख रही थी 84 कोस के सवाल पर, लेकिन अचानक अखिलेश सरकार ने जैसे ही गुगली दी अयोध्या की 84 कोस की यात्रा पर रोक का ऐलान किया, बीजेपी नेता भी इस यात्रा की सियासत में कूद पड़े जैसे 1990 में अचानक कूद पड़े थे यात्रा लेकर के। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने साफ किया है कि अयोध्या और राम मंदिर बीजेपी के वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है जिससे बीजेपी दूर हो नहीं सकती। जाहिर तौर पर यूपी की सियासत में चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर टकराव तय है, क्योंकि साधु संतों के बीच में सियासी नेताओं ने भी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद
यात्रा के ऐलान पर अडिग है और बीजेपी ने कहा है कि हम विश्व हिंदू परिषद के साथ हैं, जैसे सर 1990 से साथ देते आए हैं। खासतौर पर 1996 से लेकर 2004 के बीच जब एनडीए की सरकार थी तो पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोस की यात्राएं थोड़ी कम हो गई थी। अब मुलायम सिंह की सरकार है यूपी में और केंद्र में यूपीए की, तो यात्रा बढ़ गई है जाहिर तौर पर। 2014 का चुनाव सामने, तो वीएचपी की यात्रा यूपी में है और सूत्र नागपुर में, हलचल नागपुर तक महसूस हो रही है। आरएसएस के नेता और विचारक एमजी वैद्य ने यात्रा प्रतिबंधित किए जाने की आलोचना की है। क्या कहा है माधव गोविंद वैद्य ने, ये आपको सुनाते हैं। यूपी सरकार एक अलग ढंग के सेकुलरिज्म से ग्रस्त है, वो एक प्रकार की युग्मावस्था है। उनको मुसलमानों को खुश करना है, उनके उनकी जो वोट बैंक है जिसके कारण उनको सत्ता प्राप्त हुई है उसको खुश रखना चाहते हैं। परिक्रमा हर साल होती है तो साजिश होती है क्या? संतों ने तय किया कि इस समय निकालेंगे, निकाल रहे हैं, ये साजिश का क्या अर्थ है? और माहौल क्यों खराब होगा? और सुरक्षा दीजिए, अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको साथ में रखिए, फिर माहौल कैसा खराब होगा? जाहिर तौर पर जब नागपुर से आवाज आ रही है, दिल्ली से आवाज आ रही है, लखनऊ से भी आवाज आ रही है और विश्व हिंदू परिषद के नेता बार बार बोल रहे हैं तो केंद्र सरकार का भी कुछ कहना लाजमी हो जाता है। क्या कहा है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के रहमान खान ने, वो भी सुन लेते हैं। The UP government knows the land order situation. It is their responsibility. What reaction they can give on the yatra? See, if they have banned it, if it is land order situation, depending upon land order situation, they might have done it. It is the responsibility of UP government. तीन दिन पहले कांग्रेस के नेता ज्यादा मुखर थे और अचानक यात्रा पर प्रतिबंध लगा तो कांग्रेस ने हाथ खींच लिए हैं। लग रहा है कि कहीं हमारे हाथ न जल जाएं, क्योंकि 84 में कभी शिलान्यास से लेकर के और बाद तक कांग्रेस को लगातार यूपी में अयोध्या के सवाल पर नुकसान हुआ है, लिहाजा यूपी के इस नए विवाद को लेकर के कांग्रेस के नेता सतर्क हैं। और अब अयोध्या का सवाल आते ही बीजेपी सतर्क नहीं है, चहक उठी है। बीजेपी ने खुलकर विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर बैन के यूपी सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। आरएसएस नेता राम माधव ने भी अखिलेश सरकार की आलोचना की है। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने कहा है चुनावी वक्त में जानबूझकर यूपी के जरिए सांप्रदायिक बंटवारा शुरू किया जा रहा है। वीएचपी की 84 कोसी यात्रा पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने जैसे ही रोक का फरमान जारी किया, भगवा परिवार यूं सक्रिय हुआ मानो उसे इसी फैसले का इंतजार था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का रवैया 84 कोसी परिक्रमा को लेकर जो है वो गलत है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। संत महात्मा जिस परंपरा के बारे में कह रहे हैं वह परंपरा जारी रहेगी, उसमें विघ्न डालने का प्रयास वोट बैंक की राजनीति से यहाँ की राज्य सरकार जो कर रही है उसका विरोध किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर आरोप मढ़ा कि भगवा ब्रिगेड बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लाने के लिए जानबूझकर यूपी का माहौल खराब कर रही है। दिग्विजय सिंह के बयान के मुताबिक राजनाथ सिंह ने पूरी योजना के तहत मोदी के इशारे पर यूपी का प्रभार अमित शाह को इसीलिए सौंपा था ताकि यूपी में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अंजाम दिया जा सके। हालांकि दिग्विजय सिंह ने वीएचपी की यात्रा पर प्रतिबंध को जायज नहीं माना और कहा कि यूपी सरकार यात्रा होने दे, इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने से बचा जा सकेगा। कांग्रेस ने यह भी साफ किया है कि यूपी सरकार को सोच समझकर पूरे मामले से निपटना चाहिए, सतर्क रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्लान पर जा रही है और उत्तर प्रदेश में वो एक बार फिर उसी पुराने ढर्रे को लेकर के शायद कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जरूरत है, ना कि इस तरह की किसी भी हरकत की जिससे पोलराइजेशन बढ़े। वहीं सीपीआई नेता डी राजा ने यात्रा पर सवाल उठाया है और वीएचपी पर आरोप लगाया है कि उसकी यात्रा सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए आयोजित की गई है। जाहिर तौर पर 25 अगस्त से पहले जो सियासी गर्मी पैदा होनी चाहिए वो नेताओं के बयान पैदा कर रहे हैं। दूसरी ओर यूपी सरकार के सामने वीएचपी के सख्त तेवर ने परेशानी पैदा कर दी है कि अगर बड़ी तादाद में साधु संतों को आगे कर वीएचपी और बीजेपी ने
जबरन यात्रा निकालने की कोशिश की तो शांति बनाए रखने का रास्ता क्या होगा। राकेश उपाध्याय के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया। तो अयोध्या ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया। सुनते हैं क्या कहा है समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर। सरकार कोई नई परंपरा को अनुमति नहीं देगी और ये तो राजनीतिक यात्रा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित यात्रा है। हम उत्तर प्रदेश में माहौल को बिगाड़ने की किसी को परमिशन नहीं देंगे। अब इस हिन्दू परिषद का कहना कि हम यात्रा जबरदस्ती निकालेंगे तो सरकार सब कड़े से कड़े कदम उठाएगी। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान के बीच जो सौहार्द है वो किसी को बिगाड़ने का अवसर मिले। सरकार इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। कानून में इतनी धाराएं हैं, कानून हर चीजों को रोकने के लिए सक्षम है। जो भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी सरकार अपनाएगी। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, संघ, ये सब एक ही संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। संघ की जड़ें हैं, बाकी सब शाखाएं हैं और इसमें शुरू से उनका उद्देश्य रहा है सांप्रदायिकता का जहर इस देश में घोलो और हिंदू मुसलमानों में बंटवारा करके राजनीति करो। जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था उस दिन से बात साफ हो गई थी। जाहिर तौर पर अमित शाह अयोध्या गए भी थे और नरेंद्र मोदी को भी जाना था महंत नृत्य गोपाल दास के कार्यक्रम में, लेकिन ऐन वक्त पर पहुंचे नहीं। लेकिन अब अयोध्या जिस तरह गर्म हो रही है, पूरी बीजेपी अब यूपी की ओर ध्यान केंद्रित करेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कार्यक्रम जारी रहेगा।